पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस और ये आईपीएल 2024 का मैच नंबर 33 और ये मैच होने वाला है पंजाब किंग्स के होम ग्राउंड में, जहां पर पंजाब किंग्स पॉइंट टेबल पर नंबर 7 पर है और वहीं मुंबई इंडियंस पॉइंट टेबल पर नंबर 8 पर है। और इन दोनों ही टीम्स की स्टोरी अब तक सेम रही है, जहां पर इन दोनों ही टीम्स ने अब तक 6 मैचेस खेले हैं और 4 मैचेस इन दोनों टीम्स ने हारे हैं और केवल 2 मैचेस जीत पाई है। और ये दोनों ही टीम्स अपना अपना रिसेंट मैच भी हार करा रही है, तो बेसिकली ये दोनों ही टीम्स चाहेंगी कि वो इस मैच में कमबैक करें और इस मैच को बड़े मार्जिन से जीतें, जिससे उनका नेट रन रेट इंप्रूव हो सके। तो ये मैच भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो में देखते हैं इन दोनों टीम्स के बीच क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड्स है और इन दोनों टीम्स की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है एक दूसरे के अगेंस्ट। तो वीडियो को भाई लास्ट तक जरूर देखना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो अगर पहले बात की जाए पंजाब किंग्स की, तो ये टीम अब तक टोटल 6 मैचेस खेल चुकी है और केवल अब तक 2 मैचेस ये जीत पाई है। और जहां पर इनका रीसेंट मैच हुआ था राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, और उस मैच में पंजाब किंग्स को हार का सामना करना पड़ा था, जिस मैच में पंजाब किंग्स ने 147 रन बनाए थे और 148 रन का टारगेट उन्हें डिफेंड करना था। और वो मैच भाई आखिरी बॉल तक गया था, लेकिन पंजाब किंग्स उस टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाई और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से हेड माइंड ने वो मैच को फिनिश किया था और राजस्थान रॉयल्स उस मैच को 3 विकेट से जीती थी। और उस मैच में शिखर धवन भी नहीं खेले थे और उनकी जगह कैप्टनसी की थी सैम करन ने। और मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट इस वाले मैच के लिए भी अभी कंफर्म नहीं है कि शिखर धवन अवेलेबल होंगे या फिर नहीं, तो देखना होगा शिखर धवन तब तक इंजरी से रिकवर हो पाते हैं या फिर नहीं। तो बेसिकली पंजाब किंग्स चाहेगी कि वो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट इस वाले मैच में कमबैक करे और इस सीजन का अपना 3रा मैच जीत पाए। और वही बात की जाए मुंबई इंडियंस की, तो इस टीम का भी सिनेरियो अब तक सेम रहा है, जहां पर इस टीम ने भी अब तक टोटल 6 मैचेस खेले हैं और केवल 2 मैचेस ये टीम जीत पाई है और 4 मैचेस में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जहां पर मुंबई इंडियंस का रीसेंट मैच था सीएसके के अगेंस्ट, वो भी उनके होम ग्राउंड में, और वो मैच मुंबई इंडियंस 20 रन से हार गई थी, जहां पर मुंबई इंडियंस को उस मैच में 207 रन का टारगेट मिला था और मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स के केवल 4 विकेट गिर पाई थी। और हार्दिक पांड्या के आखिरी ओवर में एमएस धोनी ने 20 रन बनाए थे और वही 20 रन मुंबई इंडियंस के लिए खतरनाक साबित हुए, क्योंकि मुंबई इंडियंस वो मैच 20 रन से ही हारी थी। और टारगेट को चेस करते हुए रोहित शर्मा ने उस मैच में शतक भी लगाई थी और लास्ट तक नॉट आउट भी रहे थे, लेकिन मुंबई इंडियंस को वो मैच नहीं जीता पाए। और मुंबई इंडियंस के हारने का रीजन हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी भी रही है, जहां पर श्रेयस गोपाल से भी उन्होंने केवल एक ही ओवर डलवाया और रोमेरियो शेफर्ड के भी आखिरी में 2 ओवर बचे थे, लेकिन फिर भी आखिरी में वो खुद ही बॉलिंग कराने आए और उस ओवर में उन्होंने एमएस धोनी का हाथों 20 रन खाए थे और जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस वो मैच 20 रन से हारी थी। तो बेसिकली मुंबई इंडियंस भी यही चाहेगी कि वो पंजाब किंग्स का अगेंस्ट इस वाले मैच में कमबैक करे और बड़े मार्जिन से इस मैच को जीते। तो अब देखते हैं इन दोनों टीम्स के बीच क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड्स हैं। तो मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच अब तक टोटल 31 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 16 मैचेस जीते मुंबई इंडियंस ने और 15 मैचेस जीते पंजाब किंग्स ने। तो रिकॉर्ड से पता चलता है कि दोनों टीम्स के मैच भाई काफी ज्यादा टक्कर के रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस वाले मैच में कौन सी टीम दूसरी टीम को डोमिनेट करेगी, तो कमेंट सेक्शन में बता दो। तो अब देखते हैं इन दोनों टीम्स की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है एक दूसरे के अगेंस्ट। तो पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के बारे में। तो उनकी तरफ से पहले ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा और उनके साथ आएंगे ईशान किशन, उनके बाद नंबर 3 पर आते हैं सूर्य कुमार यादव, फिर तिलक वर्मा, कैप्टन हार्दिक पांड्या, टीम डेविड, रोमेरियो शेफर्ड, मोहम्मद नबी, जसप्रीत बुमराह, गेराल्ट कोटसे और पीयूष चावला। और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मुंबई इंडियंस रखेगी आकाश मधवाल को। तो मुंबई इंडियंस की ये प्लेइंग 11 हो सकती है अगेंस्ट पंजाब किंग्स। तब देखते हैं पंजाब किंग्स की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। तो उनकी तरफ से पहले ओपनिंग करेंगे अथर्वा टेड या फिर शिखर धवन, अगर वो इस मैच में फिट होते हैं तो। उनके साथ ओपनिंग करने आएंगे जॉनी बेस्टो, नंबर 3 पर आते हैं सैम करन, नंबर 4 पर लियाम लिविंगस्टन, फिर जितेश शर्मा, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, हरप्रीत बरार, कगिसो रवाड़ा, हर्षल पटेल, अर्षदीप सिंह, और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आएंगे प्रभसिमरन सिंह। तो पंजाब किंग्स की ये प्लेइंग 11 हो सकती है अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। तो आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 हो सकती है और आपको क्या लगता है वाला मैच कौन जीतने वाला है, कमेंट सेक्शन में बता दो। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।